हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, राधे राधे कृषा। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हो, सेफ हो इस लॉकडाउन पर। आज का मेरा ये वीडियो है लड्डू गोपाल की समर के ऊपर, कि गर्मियों में उन्हें क्या कपड़े पहनाने, क्या वस्त्र पहनाने, कैसे श्रृंगार करना है उनका, उनके ऊपर ये है। ये है मेरे लड्डू गोपाल और ये है इनकी किशोरी। तो चलो आइए देखते हैं लड्डू गोपाल को गर्मियों में किस तरह से निलाना है, कैसे वस्त्र पहनाना है। सबसे पहले आप एक प्लेट कोई भी कर लीजिए, सारे भगवान जिसमें आप निला सको, कर सको, जिसमें रोज लड्डू गोपाल नहाया करे, तो एक प्लेट कर दी। घड़ी घड़ी प्लेट नहीं बदलनी चाहिए, एक भगवान के लिए प्लेट अलग से आप रख दीजिए, ठीक है। गर्मियों में अगर हम इस फूलों की तरह लड्डू गोपाल को अंदर बैठ के निलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर ये लड्डू गोपाल के गर्मियों के वस्त्र है। गर्मियों के वस्त्र एकदम हल्के फुल्के पतले होते हैं, जैसे देखो ये खुले हैं, शोल्डर विदाउट शोल्डर वाला, सिर्फ नेक से पहनते हैं, जैसे ये किशोरी ने पहने। ये ऐसे है, ये कुछ इस तरह के लगते हैं। ये वाले वस्त्र कुछ इस तरीके है, हल्के फुल्के कॉटन के पतले कपड़े। हम जैसे गर्मियों में पतले कपड़े कॉटन के पहनते हैं, वैसे लड्डू गोपाल के भी इस तरह कॉटन के कपड़े पहनाने चाहिए आपको। ये देखो एकदम पतले पतले, एकदम हल्के, एकदम बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है इसमें लड्डू गोपाल को। इस तरह के कुछ कपड़े हैं लड्डू गोपाल के। जो हैवी वाले कपड़े हैं, जो इस तरह के हैं, जैसे कोई पूनम हो गई, एकादशी हो गई, आप ऐसे हैवी वाले कपड़े आप उन दिनों पहनाइए, डेली नहीं पहनाइए। डेली बहुत गर्म लगता है इसका वक्रम, ये नेट, ये सब बहुत गर्म पड़ती है। ये सब वर्क किए हुए हैंड पे, ये सब काफी गर्म हो जाती है। तो ये हैवी वाले कपड़े आप अच्छे दिनों पे पहनाइए, ठीक है। चलो आइए हम लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं। देखो स्नान किस तरह से कराना चाहिए, आइए लड्डू गोपाल आपका स्नान कराते हैं। ये जो लड्डू गोपाल की मौली की पगड़ी बनाई है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी ये पगड़ी कैसे बनाते हैं। ये मोर पंख हम निकाल लेते हैं उनका, ये पगड़ी हम निकाल लेते हैं, मौली की बनी हुई है पगड़ी। इनके श्रृंगार निकाल लेती हूँ। टीका है, ये चिबुक है, कुंदन है ये उनके कान के, ये माला है, कुछ फंस सी गई है, एक मिनट निकाल लेते हैं। ये वैजयंती माला जो मैं पहनाए रखती हूँ उन्हें, देखिए इस तरह से। ऐसे भी चंदन महोत्सव चल रहा है, तो जितना आप लड्डू गोपाल को चंदन का श्रृंगार करोगे उतना ही बहुत बढ़िया है। ये हमारे लड्डू गोपाल बैठ गए, ये मैंने कुछ पानी ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा रोज वाटर मिला लूंगी, खुशबू खुशबू आ जाएगी लड्डू गोपाल को और ठंडक भी होगी। ये रोज वाटर मैंने घर पे बनाया है, अभी मुझे सच्चे गुलाब नहीं मिल रहे इस लॉकडाउन में, जैसे ही मिलेंगे मैं वैसे ही आपको इस रोज वाटर का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ये मेरे लड्डू गोपाल का और किशोरी का श्रृंगार का डब्बा है, जिनमें सारे उनकी मालाएं हैं, कुंदन है, टीका है, कंगन है, ये सारे अलग अलग जो डेली श्रृंगार में लगते हैं। ये गौंद है जो मुझे आपको स्पेशली बताना था, ये वाइल्ड गौंद आता है और ये येलो गौंद आता है, जिससे कुंदन है, मांग टीका है, चिबुक है, हमें चिपकाने में मदद हो जाती है, कई बार तो पगड़ी लगाने में भी मदद हो जाती है। तो चलो आइए हम लड्डू गोपाल को निलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बिल्कुल धीरे धीरे से स्नान कराना है, बिल्कुल जोरों से घसना नहीं है लड्डू गोपाल को, जैसे हम नहाते हैं बिल्कुल उसी तरह उन्हें निलाना है।
कई लोग तो एकदम ऐसे रगड़ देते हैं लड्डू गोपाल को, वैसे नहीं करना चाहिए आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलो इस प्रकार हमारा स्नान हो गया है लड्डू गोपाल का। ये जो पानी है आपको नाले में नहीं फेंकना है, कई लोग इसको सिंक में फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए, बहुत पाप लगता है। पीपल का झाड़ है, तुलसी के पौधे है, या कोई भी गमले में आप इस पानी को विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे लड्डू गोपाल की नैपी मैं चेंज कर दूँ जो गीली हो गई है। ये उनका छोटा सा टॉवल है उनके लिए, मैं उन्हें पोंछ लेती हूँ। अभी सबसे मेन बात मैं आपको बताती हूँ, कई लोग लड्डू गोपाल को बड़ी गलत तरीके से कपड़े वस्त्र पहनाते हैं, कहीं उल्टा पहना देते हैं, कहीं उन्हें पता नहीं चलता कि कैसे पहनाना है। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल ने पहन ली नैपी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं उनको विराजमान कर देती हूँ, ठीक है। तो आज हम उनको पहनाएंगे, ये हम साइड कर देते हैं, ये सब मैं साइड कर देती हूँ सारा। आज हम लड्डू गोपाल को पहनाएंगे, आप बताइए मुझे हेल्प कीजिए। चलो हम ये केसरी कलर एकदम हल्के फुल्के, या ये ठीक है, चलो हम ये केसरी कलर बनाते हैं उन्हें। देखिए इस पोशाक के पीछे है ना मार्जिन दिया जाता है, अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं, ये देखिए मार्जिन। अगर आपके लड्डू गोपाल थोड़े बड़े होते तो आप इसी से स्ट्रेच कर लीजिए, तो लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने में आसानी हो जाएगी। कई लोग तो लड्डू गोपाल को इस तरह से वस्त्र पहनाते हैं, देखिए ऐसे, ये ऐसे डाल देते हैं हम लोग, और ऐसे डाल देते हैं, और ऐसे पहना के ऐसे, ये ऐसे पहना देते उल्टा, तो क्या पीछे का भाग तो आपका लड्डू गोपाल का खुला रह जाता है, आगे से भी उसकी फिटिंग नहीं आती है। तो वस्त्र ऐसे नहीं पहनाए जाते हैं, वस्त्र ऐसे पहनाए जाते हैं। देखिए ये वाला पार्ट है जो, ये है ड्रेस, ये वाला जो पार्ट है हम इनका ये हाथ पहले ऐसे डालेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा है हम धीरे से उसे आगे लेंगे, बड़ी आसानी से आगे आ जाता है अगर पीछे का मार्जिन आपने बराबर खोला होता है तो। ये देखिए फिर हमें है ना उनकी सेटिंग करनी रहती है। देखो ये दोनों गोटा पट्टी सामने की ओर इस तरह से आने, कई लोग तो ऐसे पहना के छोड़ देते हैं, नहीं आप जिस तरह से बराबर तैयार होते हो, अपने आप को मिरर में देखते हो कि मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, मैं ऐसे तैयार हूँ, उसी तरह से आपको लड्डू गोपाल को भी उसी तरह से बराबर सेट करके कपड़े पहनाने चाहिए। ये मेरे लड्डू गोपाल ने पहन लिए, तो चलिए आइए मैं उनको चंदन श्रृंगार करती हूँ, यहाँ बिठा देती हूँ। चंदन श्रृंगार के बाद मैं उनको मालों का श्रृंगार करूँगी, ठीक है ना, लग रहे हैं ना एकदम बराबर। ये देखिए फिर हम ऐसे पीछे से फूल रख के हम ऐसे पोशाक की गैदरिंग दिखा सकते हैं। इस चंदन श्रृंगार में, चंदन में मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाली हुई है, और अब में ये रोज वाटर है, और थोड़ा सा इसमें गंगाजल मिला हुआ है। रोज वाटर डालने से, गुलाब जल डालने से इतनी खुशबू आती है चंदन में, चंदन में तो ऐसी खुशबू होती ही है, पर रोज वाटर मिलाने से खुशबू और बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से हम पहले उनके हाथों पे, अगर हमें पूरा चंदन श्रृंगार नहीं करना तो हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ये उनकी दोनों हाथों पे, मस्तक पे, उनके मस्तक पे आप पूरा कवर कर दीजिए, बहुत सुंदर लगते हैं जब उनका मस्तक कवर हो जाता है, एक चेहरे की रौनक ही एक अलग आ जाती है उनकी। और पीछे चरण पे, दोनों चरण पे आप थोड़ा हल्का हल्का टीका कर दीजिए इस तरह से कुछ, देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल तैयार होके श्रृंगार करके बैठे हैं किशोरी के साथ।
ये तकिया हम इनके यहाँ पे भी बाजू में रख सकते हैं उनके आराम के लिए। तैयार होने के बाद आपको जरूर उनको दिखाना है कि वो कैसे लग रहे हैं, किशोरी को भी देखिए, मैं यहाँ से देख सकती हूँ दोनों को एकदम सुंदर रेडी हुए हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें जो हम करते हैं ये हमारे भाव है, ऐसा नहीं कि हमें ये सब क्यों करना है, ये हमारे भाव है। जिस तरह से हम तैयार होते हैं उस तरह से हम लड्डू गोपाल को भी तैयार करते हैं। ये सारी हमारी मन की बातें हैं कि गर्मियों में उनके गर्म कपड़े हल्के होने चाहिए, उनकी पग ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें गर्मी नहीं लगे। हम चंदन का श्रृंगार करते हैं कि उन्हें ठंडक पहुँचे। ये सारे हमारे भाव हैं, जितने आपके भाव उतना आपका श्रृंगार बहुत सुंदर। और लाला इतना खुश होते ना, आप मानोगे नहीं, आप अंदर से आपका सारा दिन खुशी में जाता है। तो देखिए अभी ये गर्मी में मैंने उनके लिए भोग लगाया है। गर्मी में हम खरबूजे का, तरबूज का भोग लगाते हैं। आम तो सीजन चल रहा है तो आम का भी भोग ज़रूर लगाइए, और मिश्री और जल तो आपको रखना ही है। जनरली हम गर्मी में वो जो मटकी होती है उसमें रखते हैं, लेकिन मेरी मटकी खंडित हो गई है तो इस लॉकडाउन में मुझे जाने नहीं मिला है। मटकी अगर आपके पास नहीं हो, मिट्टी की मटकी, आप चांदी के बर्तन में भी रख सकते हैं। चांदी में जल ठंडा रहता है। मेरे पास कांसे के हैं तो मैंने कांसे के रखे हैं। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ ज़रूर से कमेंट में लिखिए कि आपको भी ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे फेसबुक पेज पे आप अपने लड्डू गोपाल, किशोरी की, समर की फ़ोटो भेज सकते हो, आपका श्रृंगार भेज सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।